नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे IAS IPS IRS को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था, अमिताभ दास जो IPS थे उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दी गई और उन्होंने आनंद सिंह का भंडा फोड़ा था कि नीतीश कुमार जी के साथ क्या संबंध उनका था। अभी कल की बात है कि पटना नगर निगम के आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में कई प्रकार के प्रश्न को उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अब ईश्वर के शरण में जाऊंगा और ईश्वर की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा। लेकिन चूंकि वो IRS थे, केंद्र से यहाँ प्रतिनियुक्त किए गए थे, बिहार सरकार को पावर नहीं थी कि उनके रिजनेशन को एक्सेप्ट करते, इसलिए तत्काल अपने पावर से बिहार सरकार ने अनुपम कुमार सुमन को केंद्र को वापस कर दिया और उनके 2 महीने की छुट्टी को स्वीकार कर लिया। जब वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें अपने गृह पद पर ज्वाइन करना होगा। ऐसा वाकया बिहार में हो रहा है इन दिनों कि जो पदाधिकारी हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि वो नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और चले जाते हैं। आखिर क्या वजह है? बिहार में काम करने वाले पदाधिकारी को आजादी क्यों नहीं दी जाती? अगर आजादी देने की बात कही जाती है तो आखिर क्या वजह है कि पटना नगर निगम के आयुक्त नौकरी छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए और वो कहते हैं मैं भगवान के शरण में जाऊंगा? आखिर कुछ न कुछ कारण रहा होगा कि नीतीश के राज में कहा जाता है कानून का राज है और कानून के राज में कानून के पालन करने वाले पदाधिकारी अनिजी फील करते हैं और नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें स्वेच्छा रिटायरमेंट दिला दी जाती है जबरन। इसी कड़ी के अंदर मैंने बताया था अमिताभ दास जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और वे कोर्ट गए हैं कि मुझे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, मुझे नौकरी से निकाला गया। आखिर इस वजह को जानना आम जनता को जरूरी है कि काम करने वाले पदाधिकारी लंबे चौड़े पत्र भी छोड़ जाते हैं और उस पत्र में कई प्रश्न खड़े होते हैं, उस प्रश्न का जवाब बिहार सरकार जाने या अनुपम जी जाने कि आखिर पत्र का प्रश्न का उत्तर क्या होगा और प्रश्न उन्होंने क्या जनता के लिए छोड़ कर गए हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।